जीव आसुरी प्रवृत्ति के होते चले जा रहे हैं। आसुरी प्रवृत्ति के होते चले जा रहे हैं मतलब जो चीज असुर लोगों को प्रिय लगती वही अब मनक को प्रिय लगने लगी है। गलत चीज खाना, गलत चीज पीना। महाराज एक सज्जन हमें मिले, बोले हमने कहा यार क्या कैसा क्या है, बढ़िया है सब? बोले हाँ सब ठीक है और सब कुछ अच्छा चल रहा है, नौकरी करता हूँ, ये खाता हूँ वो पीता हूँ। तो उसमें उसने मांस का वो क्या कहते अंडे का नाम भी लिया। तो मैंने कहा तुम यार अंडे भी खाते, इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो। बोले हर दिन नहीं खाता हूँ। मतलब बोले जैसे मंगलवार है उस दिन नहीं खाता हूँ। उस दिन क्यों नहीं खाते? बोले उस दिन व्रत करता हूँ ना, और बुधवार को, बोले बुधवार को फिर मंगलवार की पूर्ति भी कर लेता हूँ। तो ऐसे लोगों से ये दुनिया भरी पड़ी है कि एक दिन तो बिल्कुल ध्रुव प्रहलाद बन जाएंगे और दूसरे दिन हरिणाक्ष हिरण्यकशिपु बन जाएंगे। महाराज दिन ही नहीं, सेम डे में यही स्थिति बन जाती है। सुबह आदमी आरती कर रहा है, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय शिव ओंकारा, और थोड़ी देर आरती पूजा करने के बाद जो चालू हुआ तो गुटखा न तमाकू न बीड़ी न सिगरेट नहीं जाने क्या क्या चीजें खाता पीता रहता है। महाराज उसको यही समझ नहीं कि यार तुम भगवान की आरती करके निकले हो, भगवान के नाम पे अब काय को कलंक लगा रहे हो। यार इन चीजों को छोड़ दो ना, भगवान ने इलायची भी तो बनाई है, भगवान ने लौंग भी तो बनाई है, भगवान ने सौंफ भी तो बनाई है, इन चीजों को क्यों नहीं खा सकते? भगवान ने दालचीनी भी बनाई है, कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें बनाई है, इनको खाओ तो मुंह भी साफ रहेगा, पेट भी डाइजेशन भी अच्छा रहता है, लोक भी बनता, परलोक भी बनता। पर इन चीजों को आदमी नहीं लेगा, गलत चीजें खाता पीता रहता है। कोई धक्का मार रहा है, कोई डंडे मार रहा है, कोई जबरदस्ती कर रहा है, नहीं कौन कर रहा है? असुर ताम गताहा, ये जो अंदर आसुरी प्रवृत्ति तुमने बिठा ली है वही तुमको धक्का मार के गलत काम करने पे मजबूर कर देती है। पर